एरोप्लेन्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। जिस प्लेन में आपने आखिरी बार ट्रेवल किया था उसकी प्राइस कई सारी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। कई लोगों का यह सोचना रहता है कि जिस प्लेन में वह ट्रेवल करते हैं वह उसको ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस का होता है। अगर आपका भी यही सोचना है तो आप गलत भी हो सकते हैं। एयरलाइन बिजनेस में एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले ऑलमोस्ट 40-50% प्लेन्स वह एयरलाइंस के नहीं होते हैं। इंडिया में तो यह परसेंटेज और ज्यादा है। इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले ऑलमोस्ट 80-90% प्लेन्स इंडिगो एयरलाइंस के नहीं है। तो आखिर यह प्लेन्स किसके हैं? यह प्लेन्स की ओनर होती है दुनिया की बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज। तो आखिर एयरलाइंस प्लेन्स खरीदने के बजाय उन्हें लीज पर क्यों लेती है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एयरलाइंस किन सिचुएशंस में प्लेन खरीदती है और कब लीज पर लेती है, और आखिर प्लेन्स लीज पर लेने के क्या फायदे हैं। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक एयरलाइंस खोलना और उसे सक्सेसफुली मैनेज करना काफी मुश्किल काम है। एक एयरलाइंस को चलाने के लिए आपको शुरू में ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और हाँ, इस इन्वेस्टमेंट का एक काफी बड़ा हिस्सा जाता है कमर्शियल प्लेन्स को ऑपरेट करने में। आज की तारीख में अगर हम कमर्शियल प्लेन्स की प्राइस की बात करें तो अराउंड 110-140 सीटिंग कैपेसिटी के प्लेन्स जैसे बोइंग 737-700 आता है अराउंड 90-100 मिलियन डॉलर में, और एयरबस A220 आता है अराउंड 80-90 मिलियन डॉलर में। तो अगर एक एयरलाइन 5 प्लेन्स के साथ ऑपरेशनल होना चाहती है तो उसे शुरू में ही अराउंड $500 million तो प्लेन्स पर ही खर्च करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस, एयरलाइंस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेन्स के इंटीरियर को भी डिजाइन करवाना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन आज एयरलाइंस प्लेन्स पर किए जाने वाले खर्चे को कम भी कर सकती है। तो आखिर एयरलाइंस यह कॉस्ट कैसे कम करती है? इसका जवाब है एयरप्लेन लीजिंग मॉडल, यानी कि किसी दूसरी पार्टी से प्लेन रेंट पर लेकर उसे कमर्शियली यूज करना और उसके रिटर्न में मंथली या फिर क्वार्टरली फीस देना। कई बार एयरलाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह नए प्लेन्स अफोर्ड कर सके, और इसीलिए एयरलाइंस इन सिचुएशंस में प्लेन लीज पर लेती है। ऐसा करने पर एयरलाइंस को प्लेन ना खरीदते हुए भी प्लेन को कमर्शियली यूज करने का लाइसेंस मिल जाता है, और एयरलाइंस अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कई सारे नए रूट्स पर भी ऑपरेट कर पाती है। कई बार लीजिंग कंपनीज प्लेन्स के साथ ही इंश्योरेंस और मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। भले ही एयरलाइंस को प्लेन और उसके साथ दी गई इन सर्विसेज की काफी ज्यादा फीस देनी पड़े, लेकिन फिर भी एयरलाइंस को इससे फायदा ही होता है। एक कमर्शियल प्लेन डेली अराउंड 11-12 hours फ्लाई करता है। कुछ इस तरह एक प्लेन को पूरे साल यूज करने पर एयरलाइन काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। वह कंपनीज जो एयरलाइंस को प्लेन लीज पर देती है उनके पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और इसलिए यह कंपनीज प्लेन मैन्युफैक्चरर्स जैसे एयरबस और बोइंग को एक बार में ही काफी बड़ा ऑर्डर देती है, और फिर यह प्लेन्स मिलने पर इन्हें अलग अलग एयरलाइंस को कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट कर लीज पर दे देती है। एक कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर यह प्लेन किसी और को रेंट पर दे दिया जाता है। आज प्लेन लीजिंग मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेन ओन करने वाली टॉप 2 कंपनीज ओनली प्लेन लीज करने का ही काम करती है। एयर कैब और दुबई एरोस्पेस एंटरप्राइज दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन लीजिंग कंपनीज है। एयर कैब जो कि एक आयरलैंड की कंपनी है, उसके पास कई सारे अलग अलग मॉडल्स के अराउंड 1500+ प्लेन्स हैं। जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज में एयर पैसेंजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, प्लेन लीजिंग का यह मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। वैसे आज से कुछ सालों पहले तक प्लेन लीजिंग का यह मॉडल पॉपुलर नहीं था। इसका एक कारण यह था कि एक बार यूज किए जाने के बाद प्लेन्स की सेकेंड हैंड वैल्यू काफी कम हो जाती थी, और साथ ही प्लेन का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता था। इसकी वजह से प्लेन लीजिंग का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन आज के मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्लेन्स की परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और लाइफ काफी ज्यादा होती है। प्लेन्स की लाइफ साइकिल्स में मेजर की जाती है। प्लेन के द्वारा एक बार टेक ऑफ करना और फिर लैंड करना, इसे एक साइकिल कहते हैं। कुछ इसी तरह आज के प्लेन्स की लाइफ होती है अराउंड 30-40,000 साइकिल्स। एक प्लेन इतनी साइकिल्स अराउंड 25-30 years में ही कर पाता है, और इसी कारण आज लीजिंग कंपनीज एक प्लेन को काफी समय तक अलग अलग एयरलाइंस को भी दे सकती है। एयरक्राफ्ट लीजिंग का आज एक और नया मेथड भी फॉलो किया जाता है। यह मॉडल है सेल एंड लीज बैक मॉडल। कई बार आपने देखा होगा कि एयरलाइंस भी मैन्युफैक्चरर्स को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर देती है। एयरलाइंस को कंपेयर टू लीजिंग कंपनीज प्लेन्स कम प्राइस में मिलते हैं, और बल्क ऑर्डर देने की वजह से एयरलाइंस को इन प्लेन्स पर अराउंड 40-50% डिस्काउंट भी मिलता है। एयरलाइंस यह प्लेन मार्केट रेट पर लीजिंग कंपनीज और बैंक्स को बेच देती है, और फिर उनसे ही यह प्लेन्स कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट कर लीज पर ले लेती है। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर प्लेन की ओनरशिप लीजिंग कंपनीज और बैंक्स को ट्रांसफर हो जाती है।
ऐसा करने पर एयरलाइंस को ब्रांड न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप प्लेन्स यूज करने को मिल जाते हैं। ब्रांड न्यू होने के कारण कुछ सालों तक इन प्लेन्स का मेंटेनेंस काफी कम होता है और साथ ही इनकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, जिससे एयरलाइंस के फ्यूल एक्सपेंडिचर काफी कम हो जाते हैं। दुनिया की कई सारी एयरलाइंस आज लीजिंग के इसी सेल एंड लीज बैक मॉडल को प्रेफर करती है। कई बार एक एयरलाइंस किसी दूसरी एयरलाइंस के प्लेन्स को भी लीज पर ले लेती है। हाल ही में जेट एयरवेज ने फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अपने सभी रूट्स पर ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। इसके चलते जेट एयरवेज की फ्लीट के सारे प्लेन्स बस एयरपोर्ट्स पर ही पार्क थे, जिनका कोई यूज नहीं किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में एयर इंडिया ने जेट एयरवेज की बोइंग 777 प्लेन्स को लीज पर लेने में इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ इसी तरह आज एविएशन इंडस्ट्री कई सारे चेंजेस देख रही है। दुनिया भर में आज एयर पैसेंजर्स की तेजी से बढ़ने के कारण कई सारी नई एयरलाइंस कॉम्पिटिशन में आ रही है। एविएशन इंडस्ट्री में इसी इंक्रीजिंग डिमांड और कंपटीशन के चलते आज प्लेन लीजिंग मॉडल का होना काफी जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसे ही और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।